आज 31 जुलाई 2023 सावन के चौथे सोमवार के दिन जरूर कर लेना ये पांच काम। महादेव जी के आशीर्वाद से तुरंत होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। 186 वर्षों बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आज सावन के पवित्र महीने का चौथा सोमवार का दिन है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरे 186 वर्षों बाद रवि योग और विषकम योग का संयोग आज बन रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त रात 10:21 तक रहेगा। दोस्तों, पूरे 186 वर्षों बाद एक ऐसा सुनहरा मौका आया है, जिस दिन एक साथ रवि योग और विषकम योग का संयोग बनने जा रहा है। और आज के दिन आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति आज व्रत रखेगा तो न केवल उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बल्कि उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप शिव पुराण के बताए हुए पांच वो महा उपाय कर लें जो शिव योग के दिन किए जाते हैं, रवि योग के दिन किए जाते हैं, तो महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो आज जरूर पूरी होगी। मान लीजिए, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आप वो उपाय करते हैं जो शिव पुराण में लिखे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपकी नौकरी जरूर लगेगी। इसी प्रकार से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, ये महीना मतलब सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, सावन के पवित्र महीने में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की हर मनोकामना को भी पूरा करते हैं और उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं, उस व्यक्ति के हर कष्ट को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, तो तुरंत ही जाइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। इसी प्रकार से सावन महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है। और आपने देखा भी होगा कि लाखों की करोड़ों की संख्या में भारत ही में नहीं विदेशों में भी लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। और दोस्तों, वेद पुराण में तो यहां तक साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन के सोमवार के दिन की गई पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, 186 वर्षों बाद आज के दिन रवि योग और विषकम योग का संयोग बन रहा है। और अगर आप शिव पुराण के अनुसार सिर्फ पांच वो महा उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इन उपायों को करने के बाद ना केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भाग्य का साथ मिलेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर धन आना शुरू हो जाएगा और आपके घर पर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने रहे हैं ये उपाय बहुत ही सरल हैं। और आज के दिन आप यह उपाय करेंगे तो इन उपायों का आपको पलट करके जरूर लाभ मिलेगा, क्योंकि हम फिर से आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आज रवि योग और विषकम योग का संयोग पूरे 186 वर्षों बाद बनने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आज के दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। यह उपाय करने के बाद यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आज पूरे दिन में आप कभी भी नहाइए धोइए और सफ़ेद कपड़े पहनिएगा। देखिए, सफ़ेद रंग भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में आपको पूरा गंगा जल भरना होगा। गंगा जल मार्केट से ले आइएगा, 20-25 रुपये का मिल जाएगा, और थोड़ी सी इसमें भस्म आपको डालनी होगी। भस्म आपने डाल दिया, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग के पास जा करके अपना मुँह उत्तर की तरफ कीजिए। मुँह उत्तर की तरफ करके ये शिवलिंग का अभिषेक ये एक लोटे जल जिसमें आपने भस्म डाला इससे कर दीजिए। सिर्फ इतना भर अगर आज के दिन आप कर देते हैं तो यकीन मानिए जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश तो हो गई होगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करते हैं।
मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी बीमारी से, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो ये महा उपाय कीजिए आज के दिन जो आपको हम बताने रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद अवश्य ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। देखिए, पूरे दिन में कभी भी नहाइए धोइए, सफ़ेद कपड़े पहनिए, आपको आधा लोटा कच्चा दूध देना है, उस आधे लोटे कच्चे दूध में आपको आधा गंगा जल मिलाना होगा। गंगा जल मिलाना बहुत अनिवार्य है दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर आपको यही एक लोटा कच्चा दूध में जो आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, इससे शिवलिंग का मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। अब आपने जब अभिषेक कर लिया तब भगवान भोलेनाथ का आपको बीज मंत्र बोलना है, बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1008 बार करना होगा, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना भर कीजिए और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, महादेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है, आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिसकी वजह से आपके पास जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, आप ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे हैं। पूरे दिन में नहाने धोने के बाद एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए, उसमें आपको 108 काले तिल के दाने डालने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 108 काले तिल के दाने डालिएगा। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर यही एक लोटा जल अर्पित करना है। अब यहाँ पर आपने एक लोटा जल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और घर वापस आ जाइए। इतना ही अगर आप कर देते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा, जिस दोष की वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली आ रही थी, वो दोष हट जाएगा और महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है, आपके 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप बड़ा परेशान हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत टूट चुके हैं, आप कई ज्योतिषियों को कई पंडितों को अपना हाथ दिखा चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक उपाय कीजिए आज के दिन जो आपको हम बताने रहे हैं। और यकीन मानिए, कितना ही बड़ा दोष होगा आपके ऊपर, महादेव जी की कृपा से उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, पूरे दिन में कभी भी आपको नहाना है धोना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना, एक लोटा शुद्ध आपने जल ले लिया, उसमें 11 चावल के दाने डालिए, 11 चावल के दाने आपने डाल लिए, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उस सफ़ेद कपड़े में दो लोटा चावल डालिए, इस सफ़ेद कपड़े की आपको पोटली बनानी है, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, सबसे पहले शिवलिंग के पास जाइए, मुंह उत्तर की तरफ कीजिए, ये जो एक लोटा जल आप लाए हैं जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं, इससे शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए, और ये जो पोटली लाए हैं जिसमें आपने दो लोटा चावल रखा है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। सिर्फ इतना भर अगर आज के दिन आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर, मान लीजिए कोई भी दोष होगा, शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष, बृहस्पति दोष, 7.5, ढैया, इसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। ये प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो अगर सावन के सोमवार के दिन किया जाए तो इसका बहुत ही फायदा एक व्यक्ति को मिलता है, और आज दोस्तों रवि योग भी है और विष्कम्भी योग भी है, इसका आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो आपको क्या करना है, आज पूरे दिन में कभी भी नहाइए धोइए और सफ़ेद कपड़ा पहनिए, एक लोटा शुद्ध जल लीजिए और आपको पूजा घर से खरीदना एक डमरू, आप लोग जाइए भगवान भोलेनाथ के मंदिर और शिवलिंग पर एक लोटा जल अभिषेक कीजिए और ये डमरू को शिवलिंग से छुआइए और इसको लाइए अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर दीजिए, और प्रत्येक सोमवार को इसको आप लोगों को धूप दिखाना होगा। सिर्फ इतना भर अगर आप कर देते हैं आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि डमरू भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, ये उनका प्रिय यंत्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिए।